हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। हरियाणा चुनाव को देखते हुए सभी दिग्गज नेता अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के लिए चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। चुनाव को देखते हुए हिसार में भी रैली का आयोजन किया जाएगा। हिसार में होने वाली रैली को लेकर उकलाना से बीजेपी प्रत्याशी आशा खेदड़ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली को लेकर दावा किया है कि उकलाना से 15,000 से ज्यादा कार्यकर्ता हिसार रैली में प्रधानमंत्री के विचार सुनने पहुंचेंगे। आशा खेदड़ ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री को सुनने के लिए हिसार की जनता बहुत उत्साहित है। आशा खेदड़ ने कहा कि लगातार जनसंपर्क अभियान करके लोगों और कार्यकर्ताओं से बातचीत होने के बाद ये साफ हो गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने लोगों की बड़ी आस्था है और बीजेपी के किए गए कामों से लोग बहुत खुश हैं। आशा खेदड़ ने कहा कि उकलाना में बीजेपी की जीत होगी और फिर से हरियाणा प्रदेश में 75 पार करते हुए मनोहर सरकार बनेगी। हमारे बीच दो दिन पहले हमारे माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी आए थे और एक बहुत बड़ी जनसभा यहाँ हमारे उकलाना के पापड़ा गांव में हुई और उसका प्रभाव इतना अच्छा रहा कि हमारे जो वोटर हैं सपोर्टर हैं वो एकदम से और अधिक प्रभाव के साथ और अधिक उत्साह के साथ काम कर रहे हैं। और अब देश के ऐसे प्रधानमंत्री हमारे बीच आ रहे हैं जिन्हें विदेशों में भी लोग देखने के लिए लालायित रहते हैं, तो उसका प्रभाव आप देखिएगा, सातों की सातों विधानसभा सीटों पर रहने वाला है। हम सातों सीटें बहुत बड़े मार्जिन से जीतने वाले हैं। कल दोपहर तक एक कार्यक्रम लगे हैं तो दोपहर में हमने लगभग 650 के करीब गाड़ियाँ हमारी बुक हो गई थी और 12,000 और 15,000 के बीच उस समय तक संख्या फाइनल होगी, लेकिन आज सुबह भी जैसे पता चला तो यही कि 15,000 प्लस की संख्या होगी, उससे कम हमारी संख्या वहाँ नहीं जाएगी। बीजेपी प्रत्याशी आशा खेदड़ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को की रैली को लेकर बड़ा दावा किया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि बीजेपी के कामों से लोग काफी खुश हैं। प्रदेश में मनोहर सरकार एक बार फिर से बनेगी और 75 पार के नारे को लेकर भी आशा खेदड़ ने कहा कि 75 पार का नारा जरूर साकार होगा, सच होगा। आपको बता दें उकलाना से बीजेपी प्रत्याशी हैं आशा खेदड़, जो लगातार जनसंपर्क अभियान कर रही हैं।